हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अंश है हम अंश उस चेतन के, स्पार्क ऑफ लाइफ, ही इज द होल, वो पूर्ण है, हम अंश है। अंश का काम क्या है? अंश का काम है पूर्ण के साथ अपना संबंध वापस स्थापित करना, अपने को खत्म करना नहीं, क्योंकि फिर योग कहां हुआ, आपने जोड़ा कहां? अरे आपने व्यक्तित्व तक को छोड़ दिया आपने, आप तो सर्जी मतलब नेति नेति करते करते आपने क्या कर दिया, अपने आप को भी नेति कर दिया कि मैं भी नहीं। उसी उसका अर्थ क्या हुआ, योग का एक ही मतलब, योग का मतलब है आत्मा का भगवान कृष्ण के साथ मिलन। मिलन में अस्तित्व खत्म नहीं हुआ करते। शादियों में देखा होगा मिलनी होती है, चाचा चाचा से मिला, क्या हुआ, सब गायब हो गए, अस्तित्व नहीं रहा दोनों का, रहता ही नहीं रहता अस्तित्व। अरे मिलने का मतलब समझिए, मिलने का अर्थ समझिए, मिलने में खत्म नहीं होता। ऐसे वो लोग कहते हैं, हमारे जो निराकारवादी बंधु लोग हैं, कहते हैं पानी समुद्र, नदी का पानी समुद्र में जाके मिल गया। भाई साहब, मॉलिक्यूल कभी नहीं मिलते, अपने अस्तित्व नहीं छोड़ते, वो अलग है और वो हर मॉलिक्यूल अपने आप में अलग एक्सिस्ट करता है। क्यों क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों? अरे ईश्वर का अस्तित्व है, आपका अस्तित्व भी है, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर सनातन है, इसलिए अंश भी सनातन है। योग को समझिए, तो जब ये इस बात को आप समझ में आएगी आपको, तब आप भगवद गीता के जब ये अध्याय पढ़ेंगे ना, तब आपको कहीं भी विरोधाभास नहीं लगेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगेगी। क्योंकि आप क्या होता है, आप जब पढ़ने लगते हो और कहीं जब शरीर के बारे में चर्चा आती है तो क्या होता है, आप आत्मा को भूल जाते हो। नहीं नहीं, मैथमेटिक्स करते हुए 1, 2, 3 भूल गए। क्या मैथमेटिक्स है बताइए, कि साहब हिंदी लिख रहा था, का भूल गया, क्या हिंदी लिखोगे, लिख ही नहीं सकते। इसी प्रकार अब इस परिपेक्ष के अंदर हम भगवद गीता को लेके चलेंगे, समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा।